हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग कस्टम स्कोप्स का यूज करते हैं कोइन डिपेंडेंसी इंजेक्शन फ्रेमवर्क में। हम लोगों ने ऑलरेडी सब चीजें को देख रखा था, लेकिन एक चीज थी जो मैंने आपको बोला था कि इसके लिए हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपरली, वो था कस्टम स्कोप। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था मॉड्यूल्स क्या होते हैं, स्कोप्स हमारे पास कितने तरीके के होते हैं। तो मेनली तीन तरीके के होते हैं, फैक्ट्री, सिंगल और ये कस्टम स्कोप, जो कि इस वीडियो में हम लोग टैकल करने वाले हैं थॉरली। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर थोड़े मोड़े चेंजेस किए हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। तो चेंजेस कुछ इस तरीके से हैं, यूआई लेयर में मैंने यहाँ पर एक एक्टिविटी को क्रिएट किया है, जस्ट आप क्रिएट कर लो। इस फाइल में मैंने यहाँ पर एक क्लास क्रिएट किया है, स्कोप टेस्टिंग क्लास, और इसके पास एक फंक्शन है इंजेक्टेड प्रॉपरली। इसी का यूज करके मैं आपको इस पूरे सीनेरियो को, जो हमारे पास कस्टम स्कोप है, इसको मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। मेन एक्टिविटी में यूआई में थोड़ा सा चेंज है, यूआई में चेंज केवल एक बटन का है, यहाँ पर एक और बटन ऐड किया है मैंने। जब मैं इस बटन पर क्लिक करूंगा तो कुछ चीजों को मैं परफॉर्म करूंगा, तो वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा, ठीक है। तो बस इतना ही चेंजेस है, इसके अलावा कोई भी चेंजेस नहीं है। तो हम लोग देखते हैं स्कोप्स क्या होता है। देखिए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने स्कोप्स के बारे में बात किया था, तीन स्कोप होते हैं। फैक्ट्री वाला मैंने आपको बताया था कि हर बार नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो उस केस में हम लोग फैक्ट्री का यूज करते हैं, फैक्ट्री स्कोप का यूज करते हैं। सेकेंड था हमारा सिंगल। सिंगल बेसिकली जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट को वहां से प्रोवाइड करा दोगे तो वो केवल एक बार क्रिएट होगा, उसके बाद अगर आप दोबारा क्रिएट करना चाहोगे तो वो उसी का इंस्टेंस को रिटर्न कर देगा, वो कोई नया ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करेगा। अब आप अज्यूम करो कि आप कोई ऐसा डिपेंडेंसी को प्रोवाइड करना चाहते हो जो कि चाहते हो आपकी किसी एक एक्टिविटी के स्पेसिफिक हो, इस एक्टिविटी के अलावा कहीं और वो इंजेक्टेबल हो ही ना, तो इसी को करने के लिए कस्टम स्कोप को बनाया गया है और हम लोग यही चीज को यहाँ पर करके सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसको करने के लिए आपको यहाँ पर डिपेंडेंसी इंजेक्शन के मॉड्यूल में जाना होगा, और यहाँ पर हमारे पास फैक्ट्री, सिंगल, दो स्कोप ऑलरेडी हम लोगों ने यूज कर रखे थे। अब हम लोग कस्टम स्कोप को यहाँ पर सीखेंगे कैसे होता है। तो भाई, मुझे तो एक ऐसा डिपेंडेंसी चाहिए, एक ऐसा ऑब्जेक्ट मैं बनाऊंगा जिसको मैं केवल और केवल इंजेक्ट कर पाऊँ अपने मेन एक्टिविटी में, इसके अलावा मैं कहीं भर भी इसको इंजेक्ट ना कर पाऊँ। तो उसको बनाने के लिए यहाँ पर सिंपल, जैसे फैक्ट्री सिंगल था, वैसे ही कस्टम स्कोप बनाने के लिए हमारे पास स्कोप फंक्शन है। इसमें हमारे पास टाइप भेजना पड़ता है, टाइप वो होगा जहाँ पर आपको रिस्ट्रिक्शन चाहिए, मतलब मेरे केस में मुझे मेन एक्टिविटी तक ही चाहिए ये पर्टिकुलर डिपेंडेंसी जो इसके अंदर होगी, तो मैं यहाँ पर इसका टाइप भेजूंगा मेन एक्टिविटी। तो अब यहाँ पर हम अपने जो स्कोप टेस्टिंग क्लास है उसका एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर हम डायरेक्टली इस चीज को नहीं करते, हम यहाँ पर यूज करेंगे स्कोप्ड का, ठीक है। अब इसके अंदर बेसिकली हम वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे जिसका हम लोग नाम देंगे स्कोप टेस्टिंग क्लास, ठीक है। इसका एक ऑब्जेक्ट बन गया है। अब ये इंजेक्टेबल है, लेकिन कहाँ पर इंजेक्टेबल है, केवल और केवल मेन एक्टिविटी में। कहीं और आप इसको इंजेक्ट करोगे तो आपका ऐप क्रैश हो जाएगा, वो भी हम देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम इसको इंजेक्ट कैसे करते हैं अपने मेन एक्टिविटी में। तो चलेंगे अपने मेन एक्टिविटी में। तो एक कॉमन मैन की तरह हम लोग यहाँ पर इंजेक्ट करके देखते हैं जो हम जानते हैं, बाय इंजेक्ट, ठीक है। इसको सिंपली आप इंपोर्ट करो और ये गो टू सेकेंड एक्टिविटी के बटन के क्लिक पर मैं यहाँ पर यूज कर लूंगा अपने स्कोप टेस्टिंग क्लास का और इसके एक फंक्शन को इंजेक्टेड प्रॉपरली, ताकि मुझे मालूम पड़ पाए कि हमारा जो स्कोप टेस्टिंग क्लास है वो इनिशियलाइज हुआ है या नहीं। तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ऑलराइट, सो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और हमारा ऐप क्रैश हो गया, जेन्युइन था, ये होना था। देखिए हुआ क्या, यहाँ पर जब मैंने इंजेक्ट यूज किया तो इसने यूज किया डिफॉल्ट स्कोप को, ठीक है। क्लास, इस ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कराने के लिए इसने डिफॉल्ट स्कोप का यूज किया। नॉर्मली ये होता है ग्लोबल स्कोप या फिर होगा एप्लीकेशन का स्कोप, लेकिन जब मैंने इसको बोल रखा है कि भाई स्कोप टेस्टिंग क्लास जो है वो केवल और केवल इस एक्टिविटी में इंजेक्टेबल है, दैट मीन्स वो किसी और इस स्कोप से एक्सेसेबल नहीं होगा। हम उसको केवल और केवल उसी कंपोनेंट के स्कोप को यूज करके इंजेक्ट कर सकते हैं जहां, जिस कंपोनेंट पर हम उसको रेस्ट्रिक्ट करके रखे हैं। हमारे केस में हमने इसको मेन एक्टिविटी पर रेस्ट्रिक्ट करके रखा है, दैट मीन्स इसी के स्कोप का यूज करके हम इसको इंजेक्टेबल बना सकते हैं। चलिए करते हैं। तो इसको करने के लिए आपको यहाँ पर कोइन स्कोप कंपोनेंट का यूज करना पड़ेगा, ये एक इंटरफेस है। अगर आप इस इंटरफेस को देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो, यहाँ पर हमारे पास है एक वेरिएबल स्कोप नाम से और एक फंक्शन है क्लोज स्कोप नाम से, ठीक है। कुछ और भी यहाँ पर एक्सटेंशन फंक्शन है, अगर आप इनको देखना चाहो देख सकते हो, आपको इसको नाम पढ़कर ही समझ में आ जाएगा कि ये किस लिए यूज होने वाला है, ठीक है। तो
अपने मेन एक्टिविटी में चलते हैं और यहाँ पर अब हम क्रिएट करते हैं एक स्कोप। सो क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी वो वेरिएबल इंटरफेस में एग्जिस्ट करता है तो हम इसको सिंपली कर लेंगे ओवरराइड। और यहाँ पर मैं गेटर का यूज नहीं करूंगा, मैं सिंपली यूज करूंगा डेलीगेट एक्टिविटी स्कोप का। ठीक है, अगर आप इस एक्टिविटी स्कोप पे कंट्रोल क्लिक करोगे तो हमारे पास कई और एक्सटेंशन फंक्शन है जिनके हेल्प से हम इसको इनिशियलाइज करा सकते हैं अपने स्कोप को। तो एक्टिविटी स्कोप एक तरीका है, एक तरीका है एक्टिविटी रिटेन स्कोप। अंतर बस इतना है कि एक्टिविटी स्कोप जब आप अपने डिवाइस को रोटेट करोगे तो स्कोप रिक्रिएट होगा, एक्टिविटी रिटेन स्कोप में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, आप चाहे पोर्ट्रेट में देखो चाहे लैंडस्केप में देखो, आपका स्कोप एक ही बार क्रिएट होगा और वो सर्वाइव कर लेगा कॉन्फ़िगरेशन चेंज। ऑलराइट, क्रिएट स्कोप, गेट स्कोप और नल, ये तो यार पढ़ के समझ लो, इसमें क्या ही बताऊं। ठीक है, तो हमने एक स्कोप बनाया, ठीक है, इस एक्टिविटी का स्कोप। अब हम इस स्कोप का यूज करके इसको इंजेक्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्कोप डॉट इंजेक्ट। अब एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि ये इनिशियलाइज हुआ है या नहीं। डन, इनिशियलाइजेशन देखने के लिए मुझे इस बटन पे क्लिक करना पड़ेगा, तो मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा और देखो इस बार ऐप नहीं क्रैश हुआ। लॉकेट ओपन करोगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा इंजेक्टेड प्रॉपरली, दैट मीन्स इनिशियलाइजेशन हो चुका है। ठीक है, अब हम इस चीज को टेस्ट करेंगे कि क्या ये जो हमारा स्कोप टेस्टिंग क्लास है ये केवल यहीं पर इंजेक्टेबल है या फिर कहीं और भी हम करना चाहें तो कर सकते हैं। अब देखो लॉजिकली तो होना ही चाहिए कि मैंने यहाँ पर रेस्ट्रिक्ट कर रखा है तो कहीं और इसको इंजेक्ट करेंगे तो ऐप क्रैश होना चाहिए। हम टेस्ट करके देखते हैं क्या ये हो रहा है या नहीं। तो चलो इसको टेस्ट करने के लिए हम सेकंड एक्टिविटी में चलते हैं। सो सेकंड एक्टिविटी पर हम जाएंगे और यहाँ पर जो वहाँ हमने किया था वही यहाँ पर हम करेंगे, कोइन स्कोप कॉम्पोनेंट, और इसके स्कोप से हम इनिशियलाइज कराएंगे अपने वेरिएबल को, विच इज ओवरराइड वेरिएबल स्कोप। डेलीगेट की मदद से मैं एक्टिविटी स्कोप का यूज कर लूंगा और इसको इनिशियलाइज करा दूंगा। एक वेरिएबल हमें चाहिए प्राइवेट वैल स्कोप टेस्टिंग क्लास, टाइप होगा इसका स्कोप टेस्टिंग क्लास। इनिशियलाइज कराऊंगा मैं इसको इंजेक्ट से, किसके इंजेक्ट से, अपने इस एक्टिविटी के स्कोप से इंजेक्ट से, नहीं तो आप करा दो एप्लीकेशन के स्कोप से तो आपका ऐप क्रैश ही होगा फिर। ठीक है, अब क्या करना है मुझे, मुझे इसका यूज करना है और सिंपली यहाँ पर मैं कॉल कर दूंगा स्कोप टेस्टिंग क्लास के फंक्शन को इंजेक्टेड प्रॉपरली, दैट्स इट। मेन एक्टिविटी पर हम वापस चलेंगे और यहाँ पर हम इसको कमेंट आउट कर देंगे और अब हम लोग इस बटन के क्लिक पर सेकेंड एक्टिविटी पर नेविगेट करेंगे, विच इज स्टार्ट एक्टिविटी इंटेंट, अपना दिस भेजो, दिस का मतलब इस क्लास का रेफरेंस, विच इज दिस एट द रेट मेन एक्टिविटी। और कहाँ पे हमें जाना है, हमें जाना है सेकेंड एक्टिविटी पर, दैट्स इट। मैं इसको करता हूँ एग्जीक्यूट। ऑलराइट, एग्जीक्यूट हो चुका है तो हम इस पर क्लिक करेंगे और आप देख सकते हो हमारा ऐप क्रैश हो रहा है, दैट मीन्स जो हमारा स्कोप है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है। वो कहाँ पर इंजेक्टेबल बनेगा, केवल और केवल मेन एक्टिविटी पर जब आप इंजेक्ट करना चाहोगे तभी वो इंजेक्ट होगा। इसका मतलब क्या है, अगर मैं मेन एक्टिविटी पर 10 फ्रेगमेंट लगा दूं तो क्या वो फ्रेगमेंट पर इंजेक्टेबल होगा? ऑफ कोर्स होगा, क्योंकि आपका एक्टिविटी का लाइफ साइकिल डिस्ट्रॉय नहीं होगा। अगर आप उसके ऊपर फ्रेगमेंट रखोगे तो आपका एक्टिविटी तो चलता रहेगा ना, तो एक्टिविटी जिंदा है तो आपका स्कोप के अंदर जो भी डिपेंडेंसी है ना उसको आप उस पर्टिकुलर एक्टिविटी के ऊपर किसी चीज में भी इंजेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये था आपका कस्टम स्कोप्स और कैसे हम लोग इसको यूज करते हैं। अब सिंपल सिंपल चीजें हम आपको यहाँ पर और बताना चाहेंगे। तो बात आती है कि हम रेट्रोफिट को कैसे यहाँ पर इंजेक्टेबल बना सकते हैं। तो देखो यार, बहुत ही ये आसान चीज है, कोई भी कर सकता है, लेकिन मैंने सोचा मैं कर देता हूँ ताकि कोई पूछे ना इसके रिगार्डिंग। तो क्योंकि अब रेट्रोफिट एक ऐसा चीज है जो एक ही बार मुझे मेरे उम्मीद से आपको चाहिए होगा, तो इसको करने के लिए आप यहाँ पर यूज कर लो रेट्रोफिट के बिल्डर का। ठीक है, इसके अंदर आप बेस 12 भेज दो, तो मैं यहाँ पर एम्प्टी स्ट्रिंग भेज देता हूँ। अगर आपको कन्वर्टर फैक्ट्री यूज करना है तो जीसन कन्वर्टर फैक्ट्री यूज कर लो। ठीक है, मैं इसको यहाँ पर मिनिमाइज कर देता हूँ और लास्टली आप इसको बिल्ड कर लो यार। ठीक है ना, बताने का तरीका है, आप इसको इंजेक्ट कर सकते हो कहीं पर भी। ठीक है, अब बिल्कुल इसी तरीके से यदि आप डेटाबेस के इंस्टेंस को क्रिएट करना चाहते हो तो डेटाबेस का इंस्टेंस एक ही बार क्रिएट किया जाता है, सिंगल टन होता है वो, तो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे सिंगल का। तो अगेन मैं यहाँ पर सिंगल का यूज कर लेता हूँ और हमारे पास है रूम डेटाबेस क्लास, तो मैं आपको दिखाता हूँ मैंने क्रिएट कहाँ पे किया है। तो ऐप डेटाबेस करके है ये, यहाँ पर मैंने एक फेक ऑब्जेक्ट बना रखा है, मतलब पूरा सेटअप कर रखा है। ये मैंने एफस्टेट क्लास बनाई है, एक्सटेंड किया है, कैंपेन ऑब्जेक्ट के अंदर एक बनाया है मैंने फंक्शन जो कि बेसिकली इसका इंस्टेंस हमें क्रिएट करके देगा। ठीक है, इसकी रिक्वायरमेंट होती है कॉन्टेक्स्ट। और ऐप डाउ जब हम इसको
क्रिएट कर लेंगे तो उससे हम इस ऐप डाओ का इम्प्लीमेंटेशन भी रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कर लेते हैं इसको भी। सो हमारे पास है ऐप का डेटाबेस, ठीक है, इसमें हमारे पास है गेट डेटाबेस और यहाँ पर हमें चाहिए होगा एप्लीकेशन का कॉन्टेक्स्ट, एंड्रॉइड कॉन्टेक्स्ट से, ठीक है, तो आप इसका यूज कर लो। और बस अगर आप यहाँ पर डेटाबेस का इंस्टेंस को क्रिएट कर सकते हो तो सिंपली आप इसके डाओ को भी क्रिएट कर सकते हो। तो डाओ को क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पर फैक्ट्री का यूज कर लो आप, और फैक्ट्री के अंदर यहाँ पर आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट है डेटाबेस, तो गेट का यूज कर लो आप। और यहाँ पर आपका जो टाइप होगा वो होगा ऐप डेटाबेस। तो ये आपको कहाँ से मिलेगा, आपको सिंगलटन जो हमारा डेटाबेस है वहाँ से एक इंस्टेंस मिल जाएगा। आप इसका यूज करके आप अपने ऐप डाओ का इम्प्लीमेंटेशन रिटर्न करा सकते हो। ठीक है, तो यार है तो बहुत छोटी चीज़ है लेकिन बहुत लोग को इसमें कन्फ्यूजन हो सकता था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसको क्लियर ही कर देता हूँ। अगर आप रेट्रोफिट बिल्डर के बेस यूआरएल में यूआरएल को डालना चाहते हो डाल सकते हो, यदि आप इसको डायनेमिक बनाना चाहते हो तो हम लोग बिल्ड कॉन्फिग का यूज़ करते हैं जो कि हमारे गिडल में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हो, इट्स ऑन यू, इट टोटली ऑन यू कैसे आप इसका यूज़ करना चाहते हो। ठीक है, तो ये था कस्टम स्कोप्स, कैसे उसको हम लोग यूज़ करते हैं, और बस यही था इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। यदि ऐसा कुछ है तो कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको करनी चाहिए, जो हम लोग को मोटिवेट करती है, वो है लाइक शेयर सब्सक्राइब, यही तीन चीज़ की डिमांड है। और इसके अलावा हम लोग और भी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, थोड़े एडवांस चीज़ों को। अब वीडियो थोड़े रेगुलर बेस पर आपको देखने को मिलेंगे, थोड़ा सा बिजी था इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, बहुत लोग मुझे शिकायत कर रहे थे कि वीडियोस क्यों नहीं अपलोड कर रहे हो, तो कुछ प्रॉब्लम था, खैर वो प्रॉब्लम अब नहीं है। तो हो सकता है वीडियोस काफ़ी जल्दी जल्दी आपको देखने को मिले। ठीक है, अगर आपको कोई और टॉपिक पर डिस्कशन चाहिए, कुछ सीखना है, तो आप नीचे कमेंट कर दो, मैं उसका 101% अगर हुआ तो उसके ऊपर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, तो यही था इस वीडियो में, बाय। उम्मीद करता हूँ आपको सब चीज़ें बिल्कुल ही क्लियर होंगी, यदि नहीं है तो कमेंट कर दो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।